हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेज ब्लॉग में। कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आवाज कम कर रही है। जैसा कि आज का मेरा जो वीडियो का जो टाइटल और थंबनेल है कि यूट्यूबर पे सच में पैसा है क्या, तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो बताऊंगी मैं जरूर कि यूट्यूब पे सच में कमाई है कि ऐसे ही सब फेक मतलब वीडियो बनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग, आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो मूंगफली होती है उनसे दाने निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि पोहे में जो नमकीन चावल होते हैं उसमें डालने की ज़रूरत पड़ती है। और ये मूँगफली हमारे घर आई थी मेरे हस्बैंड के सेठ के यहाँ से, क्योंकि उनके गाँव में उनके खेतों में मूंगफली उन्होंने उगाई थी, तो वहाँ से लेकर आए थे वो अपने लिए। तो हमें भी उन्होंने थोड़ी सी दे दी, तो हमने आज छील के रख रहे थे हम दोनों। मैंने कहा चलो बैठे हैं तो छील के रख लेती हूँ। तो अभी देखो दूसरे दिन मॉर्निंग का है ये टाइम। तो अभी मैं बहुत सारी सब्जी लेकर आई थी। क्या क्या सब्जी लेकर आई थी, बहुत ही महंगी सब्जी मिली थी, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ क्या क्या लेकर आई थी मैं सब्जी में। तो मैं लेकर आई थी ये मक्का, यानी कि मकई। यहाँ की मकई बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब मीठी होती है हमारे गांव की। जैसे कि हमारे एमपी में हमारे मम्मी के यहाँ पे हमारे मायके में वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी। तो यहाँ की मक्का शायद मेरे ख्याल से बाहर से आती है कहीं से, तो बहुत मीठी होती है। तो मक्का लेकर आए थे, 2-3 किलो टमाटर लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे थे कि 18 या 19 तारीख के बाद 22-23 तारीख तक मार्केट बंद रहेगा, कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, कोई भी सब्जी का ठेला वेला कुछ भी नहीं आएगा। तो हम लोगों ने 3-4 किलो आलू लेकर आ गए, 3 किलो टमाटर, 2-3 किलो प्याज, नींबू, अदरक, शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची और मक्का, जो मकई होती है वो लेकर, मक्का के जो भुट्टा होती है ना वो लेकर आ गए। और मैं सब्जियों को धो के रख रही हूँ, क्योंकि आजकल कोरोना का बहुत ही ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो मैं फटाफट से सारी सब्जी धो के रख लेती हूँ। तो मैंने भी टमाटर धो के रखे, फिर अदरक और जो हमारे नींबू थे। सारी सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी आ रही है, क्या करूँ इंसान क्या करे। तो ये 30 रुपये के 250 ग्राम नींबू आए थे। ज़रूरत तो पड़ती ही है हमें लगता है कि हमें कहीं गाँव ना जाना पड़े इस तरीके से। कैसे मतलब कैसे क्या होगा पता नहीं हमको, क्योंकि आप लोग तो समझ ही सकते हो कि यहाँ पे शहर में कुछ घर का नहीं होता। अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या खाएंगे, जब काम नहीं मिलेगा तो पैसा क्यों मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या, बस वही काम है। तो मैं फटाफट से धो के रखती चल रही। मैंने अदरक और नींबू धो के रख दिए, शिमला मिर्ची भी धो के रख दी। शिमला मिर्ची की भी सब्जी बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं वीडियो, आप ज़रूर देखना। तो अभी और धोके अभी बाकी है सब्जी धोना। तो मैं उसी दिन कम से कम राशन लेकर आई थी थोड़ा बहुत, मैंने सोचा 4-5 दिन 6-7 दिन नहीं जाना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं ले आई थी। तो अभी ये बड़ी वाली मिर्ची है, इनको तल के खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो और मैंने बेसन भर के बनाई भी थी ये मिर्ची, बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है ये मिर्ची। ज़्यादा तीखी नहीं होती है, जो पतली छोटी छोटी मिर्ची पतली होती हैं वो बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। तो मैं जब भी हमको तल के खाने का मन होता है तो हम यही वाली मिर्ची लेकर आते हैं। और सब्जी के लिए हम लेकर आती बिल्कुल पतली पतली मिर्ची आती है, बहुत छोटी छोटी होती है और बहुत ज़्यादा तीखी होती है। सिर्फ 2 या 3 सब्जी में डालती हूँ तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं 250 ग्राम लेकर आती हूँ, कम से कम 10-15 दिन चल जाती है मेरी जो मिर्ची है वो। और ये है भुट्टा, भुट्टा को भी मैं धो के रख देती हूँ। और धो के इनको थोड़ी देर के लिए मैं धूप में सुखाऊंगी, क्योंकि इनके अंदर पानी हो जाएगा तो फिर फ्रिज में रखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं इनको पहले धूप में सूखने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, कम से कम मैंने 1.5 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसका पूरा पानी अच्छे से सूख गया था, फिर उसके बाद मैंने इसको रखा फ्रिज में, एक एक करके सब्जी फ्रिज में रख ली। तो अभी मैं धोने वाली हूँ। दूध की थैली भी एक साथ लेकर आ गई थी, दूध की 2 छाछ की थैली और 3 दूध की थैली लेकर आ गई थी, क्योंकि दूध भी हमको चाहिए ही होता है। दूध हुआ, छाछ हुआ, घर में हो तो अच्छा है,
नहीं तो दुकान खुलने वाली है नहीं, तो मैंने सोचा चलो लेकर आते हैं। देखो घर में पैसा हो के नहीं, सामान की तो ज़रूरत पड़ती ही है, तो मैं आलू लेकर आई थी 2-3 किलो, तो वो मैं धो के रख लेती हूँ फटाफट से। तो आप लोग गाइस मेरी वीडियो क्यों नहीं वॉच कर रहे, समझ नहीं आ रहा, मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मैं क्या करूं? अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन हो इस बात का तो ज़रूर मुझे रिप्लाई करना कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी हो रही है, कि मैं क्या कमी कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, सारे दिन कैमरा ले लेके घूमती रहती हूँ, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि सबके जो मुझसे बाद में उन्होंने जिन लोगों ने मुझसे बाद में चैनल बनाया था उनका चैनल मुझसे ज़्यादा आगे मतलब ग्रो होने लगा है और मेरा चैनल वहीं के वहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो आप लोगों के पास थोड़ा भी कुछ समझ में आए तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर करना। तो मैं सारे आलू मैंने धो के इस भगोनी में रख दिए हैं और इस भगोनी को भी मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी आलू सूखने के लिए। भगोनी को नहीं, भगोनी में तो पानी इकट्ठा हो गया होगा अभी। और ये है सेजवान चटनी जो कि मैं 3 लेकर आई थी, वो भी मैंने धो के रख दी है। और रही प्याज, तो प्याज को मैं ऐसे ही धूप में सुखाने के लिए रख दिया था, कम से कम 10-15 मिनट के लिए नहीं, कम से कम मैंने 1 घंटे के लिए ऐसे सूखने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको यूज़ में लिया। तो देखो ये मैंने सब्जी रख दी थी धोकर, कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी प्यारी। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर बनाने वाली हूँ मैं बैंगन की सब्जी, भरवा बैंगन की सब्जी। तो उसके लिए मैं पीस रही हूँ मसाला, क्योंकि मेरे घर मिक्सर नहीं है। अभी हम हमारी एनिवर्सरी थी 11 मार्च को, उस दिन मैंने सोचा था लाने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई तो नहीं ला पाए। तो मैं सिलबट्टे से ही मसाला पीसती हूँ, चटनी वटनी सब सिलबट्टे से ही पीसती हूँ। तो मैंने ले ली है 2 से 3 बड़ी प्याज जिनको काट लिया है बारीक बारीक, और सौंफ, जो भी भरमा कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो सौंफ डालना ज़रूरी है, सौंफ से अच्छा टेस्ट आ जाता है। और साथ में ही मैं नमक भी डाल देती हूँ और मसाले, सूखे मसाले होते हैं हमारे जो लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी, वो भी मैं और नमक भी डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है कि हमारा मसाला थोड़ा जल्दी पिस जाता है, वरना पिसने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे भी हमारी सिल बहुत दिन से टक्की नहीं है, तो आप लोग सोचोगे ये टक्की क्या होता है, इसको जो टाकी आती है उससे टाकना पड़ता है, तो अच्छे से जल्दी मसाला पिस जाता है। अब हम यहाँ पे रहते शहर में तो वो कहाँ से लाएं, इसलिए हम इस तरीके से काम चला रहे हैं। अभी क्या करें भाई, मजबूरी में तो सब कुछ करना पड़ता, नहीं है मिक्सर तो क्या करें, दूसरे के घर कितना मांगेंगे, नहीं मांग सकती ना रोज़ रोज़ मसाले की ज़रूरत, तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पड़नी, कोई भी चीज़ भरवा बनाओ तो मसाला तो पहले चाहिए। तो मैं फटाफट से अपना मसाला पीस लेती हूँ। तो अब आ गया हमारा टॉपिक, जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते थे, क्या सच में यूट्यूब पे पैसा मिलता है? तो हाँ गाइस, हाँ फ्रेंड लोग, यूट्यूब पे पैसा मिलता है। जैसे कि जितना व्यूज़ होता है, जितना बड़ा चैनल हो जाता है, एक तरीके से कमाई का ही जरिया है। जो भी इस पे आप जिसके भी वीडियो देखते हैं, तो ये कमाई का ही जरिया है। मुझे तो अभी कोई पेमेंट नहीं मिली यूट्यूब से, क्योंकि मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया, अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो अभी मोनेटाइज होना बाकी है। उसके बाद पता चलेगा, अगर मेरा चैनल ज़्यादा ग्रो करेगा तो मुझे ज़्यादा मतलब अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे कमाई तो है। बनाएंगे सब्जी, क्या कैसे बनाएंगे, तो वो आप भी देखना। और अगर आप मेरे वीडियो आपको थोड़े भी पसंद आते हैं ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो मैंने मसाले को सिल से निकाल लिया है, अब मैं बनाऊंगी सब्जी, किस तरीके से तो आप भी देख लो। तो मैंने कैमरा सेट कर दिया है किचन के ऊपर जो गैस है वहाँ पर। तो अब मैं कढ़ाई को थोड़ा गर्म करती हूँ। बैगन हमने पहले ही काट के रख लिए थे, आलू भी काट के रख लिए थे छोटे छोटे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं खाते हैं बैगन घर में, तो उनके लिए आलू है, जो बैगन खाए वो बैगन खा सकता है। तो हमारे मसाले दाने में धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैं धनिया पाउडर निकाल लेती हूँ। और अब हमारा कढ़ाई हमारी हो गई है गरम, तो हम उसमें डालेंगे तेल। तेल हमारा ख़त्म हो गया था, तो तेल को थोड़ा अभी उस हिसाब से चलना पड़ता है। देखो आपके पास अभी लॉकडाउन है, तो थोड़ा तेल से ही गुजारा करना पड़ेगा।
तो मैंने थोड़ा ही डाला, वरना भरमा चीज़ों में ज़्यादा चाहिए होता है तेल, तो मैं थोड़ा सा ही तेल डालूँगी। तो तेल को थोड़ा सा गर्म होने दूँगी और उसमें फिर जीरा डाल दूँगी। जब मैंने मसाला पीसा था तो हमारे जो मसालेदानी थे उसमें धनिया पाउडर नहीं था, तो अभी मैंने जब निकाला तो मैंने मसाला जो पीसा था ना अभी उसमें डाल लिया है एक बड़ी चमची भर के। और बैंगन हमारे कट के हो गए रेडी, तो अब हम इसमें भरेंगे ये मसाला हमने जो पीसा है वो। इस तरीके से वो बैंगन को हमको इस तरीके से काटना है, दो चार उसके चार पीस हो जाते, अलग अलग नहीं होते, उसमें चुपके रहते। इस तरीके से आप लोगों को पता उस तरीके से काटना है। फिर हमें इसमें मसाला भर के इस तरीके से इसमें तेल में डालती जाना है। इस तरीके से सारे बैगन हम कढ़ाई में डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वैसे मुझे पता है सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के तरीके अलग होते बनाने के। तो एक बैगन में निकला कीड़ा, तो उसको हम काट के डालेंगे। कीड़ा वाला भाग है जो उसको निकाल के अलग फेंक देंगे। तो फटाफट से मैं अपने बैगन को बैगन में मसाला भर के अपने तेल जो हमने तेल रखा था कढ़ाई में उसमें डाल देती हूँ। तो हमने जो कीड़ा लगा था जिस बैगन में वो हमने निकाल दिया अलग। और उसके बाद फिर हमने जो अच्छा अच्छा बैगन था वो डाल देती हूँ मैं। फिर इसको हम हो सकेगा उतना तेल में ही पकाएंगे, क्योंकि पानी में बैगन थोड़ा टाइम लेता है पकने में। बट हमें इसमें और कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि नमक डला है, मसाले डले हैं, सब कुछ डला है, इसमें कुछ भी नहीं डालना। बस इसको पकने देना, थोड़ा से बैगन जब भुन जाएंगे ना तो ये बाकी के बच्चा हुआ जो मसाला वो भी डालेंगे। अभी डालेंगे तो मसाला जल जाएगा, हमारे बैंगन भुन नहीं पाएंगे। इसके लिए हम बैंगन को पहले भूनेंगे, अच्छे से पकने पे आ जाएंगे हमारे बैंगन, उसके बाद हम ये मसाला डालेंगे। तो हम बैंगन को फटाफट से भून लेते हैं और थोड़ा अभी भून लेंगे, फिर इसको ढक देंगे धीमी आँच पे। फिर उससे होगा क्या, हमारे बैंगन जल्दी से पक जाएंगे। तो हमारे बैंगन भून रहे हैं और अब हम इसमें डालेंगे सिंगदाने। तो सिंगदाने को मैं थोड़ा कूट लेती हूँ, ये जो अदरक कूटने का है उसमें कूट लेती हूँ। मैंने अभी अभी आपको बताया था मेरे घर मिक्सर नहीं है, तो इस तरीके से हम काम चला लेते हैं, क्या करें। तो मैं जब तक ये सब्जी चला रही हूँ तब तक मेरे हस्बैंड ने जो सिंगदाने यानी कि मूँगफली के दाने थे वो उन्होंने उसमें कूट दिए अच्छे से, थोड़े बारीक मतलब दर दरे कर दिए हैं। तो वो हम मूँगफली भी इसमें डालेंगे सब्जी में। बहुत सारे जो गुजराती में ज़्यादातर लोग, तो हम लोग प्याज लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं पता, सिंगदाने का पेस्ट बनाते हैं। सिंगदाना हो गया और सूखे मसाले हो गए, इस तरीके का पेस्ट बनाते हैं वो। तो फटाफट से मैं डाल देती हूँ सिंगदाने जो हमने क्रश करके रख लिए थे वो डाल देती हूँ। फिर इसको ढक दूंगी धीमी आंच करके, इसको थोड़ा पकने दूंगी, फिर उसके बाद हम ये मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पता नहीं गाइस आप लोग क्यों नहीं करते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे वीडियो में कहाँ कमी रह रही है। तो मैं इसमें आलू डाल देती हूँ, फिर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक दूंगी, फिर इसमें पानी डालना, बस पक के रेडी हो जाएंगे हमारे सब्जी खाने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो बस इतना ही है और आगे बनाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।